बुधवार की रात आई अचानक आंधी और तेज बारिश से उपचारिका प्रशिक्षण केंद्र परिसर में पीपल के पेड़ की डाली टूटकर गिरने से बिजली के तार टूट गए, जिसकी वजह से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई। तड़के सुबह विद्युत अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय निवासी और जेई बख्शीपुर ने कहा, रात के अंदर से ये सब नुकसान हुआ है। तार साथ टूट गई, जर्जर तार, और ये पेड़ सूखी हुई थी, तारी टूट के दुकान पे गई, तीन सेट और मेरा ये तार केबल सब नुकसान हो गया। तो इसमें क्या क्या टूटा हुआ है? इसमें गेट में गिरा, गेट पे थोड़ा नुकसान हुआ, और ये सारे तार केबल जितनी दुकान की केबल से सब टूट गई। ये एक्चुअली रात में बहुत तेज आंधी आई थी, तो आंधी के कारण जो है ये नर्सिंग हॉस्टल के सामने इसके परिसर में एक बहुत सूखा पुराना सूखा पेड़ था, तेज हवा और तेज आंधी होने के कारण वो टूट कर गिर गया। गिरने के उपरांत जो है लाइन डेड हो गई, ट्रिप कर गई वहाँ से। फिर तत्काल हमारे आदमी और मैं खुद लग करके इसकी पेट्रोलिंग किए, सूचना मिली आते ही हम लोग इसकी बाकी लाइन खोल करके यहाँ की आगे की लाइन चालू कर दी, इस पर काम शुरू कर दिया गया। तो कब तक सही होने को? बस एक घंटे में चालू हो जाएगा, अन्य सभी लाइनें चल रही हैं, बाकी केवल जहाँ पेड़ गिरा है वही बाधित है, बाकी सारी लाइनें चल रही हैं।